समाजवादी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, तब उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बेहद घोटाले किए थे। वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा, 400 करोड़ का स्टेडियम के नाम पर घोटाला, सीवर सिस्टम के नाम पर घोटाला, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा किया गया, और विद्युत विभाग की ओर से फर्जी तरीके से कनेक्शन जारी किए गए, बिजली चोरी की गई, और बहुत सारे ऐसे मामले थे जिनको लेकर हमने राजभवन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर संज्ञान लेकर राज्यपाल साहब ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था। उस पत्र का संज्ञान लेकर योगी आदित्यनाथ ने अलग-अलग विभागों को, वो 14 बिंदुओं की हमारी शिकायत थी, उन्होंने अलग-अलग विभागों को जिलाधिकारी के माध्यम से और शासन स्तर से उस लेटर को भेजा, जिस पर चूंकि आजम खान की सरकार के वक्त में रहे हुए कुछ अधिकारी रामपुर में मौजूद थे, इस गवर्नमेंट में भी, तो उन्होंने आजम खान के इन्फ्लुएंस में जांच को बाधित करने के लिए लीपापोती की और सारी ही रिपोर्ट गलत तरीके से भ्रामक रिपोर्ट बनाकर शासन स्तर पर भेज दी थी, जिसको शासन ने अस्वीकृत करते हुए दोबारा से जांच टीम गठित की है। और आज इसी क्रम में SIT रामपुर आई है और रामपुर में गहनता से जांच चल रही है। मुझे लगता है कि साल 2019 से पहले पहले आजम खान का जेल जाना तय है।